ये देखिए, इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाई इक्वल टू वन ओवर आर, और इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमें डेल फाई निकालना है। सबसे पहले आपको आर के बारे में पता होना चाहिए। आर क्या है? आर पोजिशन वैक्टर होता है किसी पॉइंट पी का। जैसे ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो ओ पी इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये जो ओ पी है, इसी को ही हम बोल रहे हैं आर वैक्टर। तो ये तो हो गया आर वैक्टर। और अगर कहीं पर खाली आर लिखा है तो उसका मतलब होता है मॉड ऑफ आर वैक्टर को ही हम आर कहते हैं। और इसका मॉड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जेड कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, तो ये हो गया हमें आर। यही चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें फाई दे रखा है वन ओवर आर, और आर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाई क्या है हमारे पास। अब हमें डेल फाई निकालना है। डेल फाई, जिसको हम ग्रेडियंट फाई भी बोलते हैं, तो उसको निकालने का तरीका हमें पता है। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है आई करली ओवर करली एक्स, जे करली ओवर करली वाई, के करली ओवर करली जेड। और ये रहा हमारे पास फाई। अभी जो फाई है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। अब सबसे पहले इसको बारी बारी से इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये करली ओवर करली एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। ऐसे ही जे कैप, ये करली ओवर करली वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप। ऐसे ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, मैंने वो नहीं लिखा है। अब क्या करना है, हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी हिसाब से आगे भी लिखेंगे। अब आप खुद सोचो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले हम पावर आई कैप, तो आई कैप रहेगा, पहले पावर को आगे लाते हैं, फिर प्रेजेंट पावर में से क्या हो जाता है, एक पावर कम हो जाती है, तो माइनस वन करेंगे तो ये माइनस थ्री बाई टू होगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, टू एक्स। ये टू से टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आगे भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक साथ लिखूँगा आगे भी। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर माइनस है, ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा। ये माइनस अगर मैं हटा दूँ इसमें से, तो नीचे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, और आई कैप भी रहेगा और आगे माइनस रहेगा। तो इसी तरीके से इसके साथ भी लिखने हैं, आगे भी लिखना है। तो इसके साथ हो जाएगा माइनस वाई जे कैप, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही आगे भी लिखेंगे तो वो जाएगा माइनस जेड के कैप, और नीचे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा थ्री बाई टू। अब आप देख सकते हैं ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और अंदर बच गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब इसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्या बोलते हैं, इसको आर वेक्टर बोलते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी आपको दे ही रखा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड मोड पे, ये तो हो गया आर वेक्टर, आगे माइनस है, और इसकी जगह हम आर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वो थर्ड वाला पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम इस फोर्थ क्वेश्चन को, ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस फोर्थ क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन को चाहे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। इस बार आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है मॉड आर क्यूब। तो पहले मॉड आर आपको निकालना आना चाहिए, जो कि होता है आपका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर में कितना है, थ्री। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, थ्री बाय टू।
तो ये आ गया फाई। तो अब आपको देखो कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ग्रेडियंट ऑफ दिस निकालना है, पर दिस को तो फाई बोल रहे हैं ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, और फाई को मैंने सिंप्लीफाइड मोड में ऐसे लिख दिया है। तो ये हो गया आई करली ओवर करली एक्स, जे करली ओवर करली वाई, के करली ओवर करली जेड, और बाहर फाई की जगह में ये लिखना है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। अब इसको इन सब से आप मल्टीप्लाई करो तो लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको अभी के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आएगा उसी हिसाब से इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आई कैप करली ओवर करली एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2। बाकी के लिए ऐसे ही लिख लेंगे आई कैप। अब इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो डिफ्रेंसीशन में पहले 3/2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो कितना आएगा 1/2। और चेन रूल के अकॉर्डिंग अब इसका डिफ्रेंसीशन ज़ीरो है, इसका ज़ीरो है, तो खाली किसका डिफ्रेंसीशन करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन कितना होता है 2x। अब ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे प्लीज मेरे पास। इसके बाद क्या करना है ये देखें, ये हमारे पास है आई कैप, और ये आगे बचा आपके पास 3, साथ ही साथ हमारे पास ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में x है। तो इसी तरीके से जे कैप का कोफिशियंट बचेगा 3। अच्छा, आगे जो भी बचेगा पहले इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड मोड में लिखें, इसको तो आपको पता ही क्या लिखते हैं r, तो ये आ जाएगा हमारा 3rx i कैप। तो आगे क्या आएगा 3ry j कैप, और उसके बाद क्या आएगा 3rz k कैप। अब यहाँ से आप 3r कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं r वेक्टर। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है।